ये जो अभी भूकंप आए हैं नेपाल में ही है, जहां 3 नवंबर को जो अर्थक्वेक आए थे रात को 11 बजे, उसी के पास ही एक अर्थक्वेक आया है, और जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.6 है, 5.6 है। देखिए 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। दिल्ली के लिहाज से जैसे सेक फील हुआ, 10 सेकेंड के लिए सेक फील हुआ, तो जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी मैप देखें तो इंटेंसिटी मैप ये बताता है, जो सेक मैप है वो बताता है कि हमारे दिल्ली में 2 से 3 की इंटेंसिटी थी। ये जो अभी भूकंप आए हैं नेपाल में ही है, जहां 3 नवंबर को जो अर्थक्वेक आए थे रात को 11 बजे, उसी के पास ही एक अर्थक्वेक आया है, और जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5.6 है, 5.6 है, और जो कि बहुत सैलो डेप्थ, मैंने 10 किलोमीटर डेप्थ पर आई है। और जो प्रीवियस जो अर्थक्वेक आई थी, जो पिछली अर्थक्वेक आई थी जो 3 नवंबर को, वहां से वो नॉर्थ ईस्ट में 20 किलोमीटर है, और ये सेम टेक्टोनिक प्लेट पर आई है, इंडियन प्लेट पर आई है। और आपको पता है कि वहां पर इंडियन प्लेट के पास जो मेजर टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है, और पिछले अगर 3 अक्टूबर से लिया जाए जी तो इतनी आफ्टर शॉक ही बोलेंगे, अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं उस रीजन में। 3 नवंबर के बाद अब तक जो है 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसकी 72 घंटों में, हाँ 72 घंटों में कह सकते हैं कि 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। इसके पहले भी इमीडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक 4.1 की तीव्रता की अर्थक्वेक आई थी 6.4 के बाद, तो ये कंटिन्यूस अभी आफ्टर शॉक है, कुछ दिन बाद ये चलती रहेगी जो सबसाइड हो जाएगी, कुछ दिन और चलेगी। हाँ ये संभावना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी आफ्टर शॉक कुछ दिनों तक चलती रहती है, मतलब आती रहती है, छोटे छोटे शॉक आते रहते हैं। अभी जो आई है 5.6 उससे ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, आफ्टर शॉक हमेशा जो मेन शॉक होती है उसकी तीव्रता कम होती है, जो आफ्टर शॉक आते हैं उसकी तीव्रता मेन शॉक से कम होती है। दिल्ली के लिहाज से देखें तो क्या कहें? दिल्ली के लिहाज से जैसे सेक फील हुआ, 10 सेकेंड के लिए सेक फील हुआ, तो जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी मैप देखें तो इंटेंसिटी मैप ये बताता है, जो सेक मैप है वो बताता है कि हमारे दिल्ली में 2 से 3 की इंटेंसिटी थी जो जो हमने सेक फील किया। लेकिन अगर ईपी सेंटर के पास देखें, जैसे लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट भी अगर देखा जाए, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट, हमारा जो वेब पोर्टल पर आता है उस पर उन्होंने बताया है, तो अगर इंटेंसिटी देखा है तो जो अभी अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 6 थी नेपाल के आसपास, नेपाल के आसपास 50 स्क्वायर किलोमीटर में उसकी तीव्रता जो थी दिल्ली 2 से 3 थी। हाँ 72 घंटों में कह सकते हैं कि 72 घंटों में ये 14 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तीव्रता की जो आफ्टर शॉक आई है 5.6 वो है, जो कि 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मेन शॉक से। इसके पहले भी इमीडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक 4.1 की तीव्रता की अर्थक्वेक आई थी 6.4 के बाद, तो ये कंटिन्यूस अभी आफ्टर शॉक है, कुछ दिन बाद ये चलती रहेगी जो सबसाइड हो जाएगी, कुछ दिन और चलेगी। हाँ ये संभावना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी आफ्टर शॉक कुछ दिनों तक चलती रहती है, मतलब आती रहती है, छोटे छोटे शॉक आते रहते हैं। अभी जो आई है 5.6 उससे ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, आफ्टर शॉक हमेशा जो मेन शॉक होती है उसकी तीव्रता कम होती है, जो आफ्टर शॉक आते हैं उसकी तीव्रता मेन शॉक से कम होती है। दिल्ली के लिहाज से देखें तो क्या कहें? दिल्ली के लिहाज से जैसे सेक फील हुआ, 10 सेकेंड के लिए सेक फील हुआ, तो जैसे कि अगर हम इंटेंसिटी मैप देखें तो इंटेंसिटी मैप ये बताता है, जो सेक मैप है वो बताता है कि हमारे दिल्ली में 2 से 3 की इंटेंसिटी थी जो जो हमने सेक फील किया। लेकिन अगर ईपी सेंटर के पास देखें, जैसे लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट भी अगर देखा जाए, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने फेल्ट रिपोर्ट, हमारा जो वेब पोर्टल पर आता है उस पर उन्होंने बताया है, तो अगर इंटेंसिटी देखा है तो जो अभी अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 6 थी नेपाल के आसपास, नेपाल के आसपास 50 स्क्वायर किलोमीटर में उसकी तीव्रता जो थी दिल्ली 2 से 3 थी।